हाँ आलू ऑलमोस्ट पक ही चुके हैं, हम देख सकते हैं। अब हम उसमें साबूदाना डाल देंगे। स्टार्टिंग में दोस्तों मैं आपसे एक बात बताना भूल गई, मैंने साबूदाना रेसिपी बनाने से पहले 2 घंटे पहले ही पानी में भिगो कर रखा था, तो आपको भी वैसा ही करना है, पानी में भिगो कर रखना है साबूदाना। जितना ज़्यादा रहेगा पानी में उतना अच्छा बनेगा। साबूदाना को अच्छी तरीके से भूनना है, सब में मिक्स करना है और उसके बाद हम मूंगफली का पाउडर डाल देंगे उसमें। सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। फिर ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए। तो हमारा साबूदाना अच्छी तरीके से पक चुका है। आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी लग रहा है, इसे हमने सर्व कर लिया है। आप उसके साथ दही की चटनी, नींबू का अचार, बहुत सारी चीज़ें हैं साबूदाना के साथ जो हम खा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी लग रही है ये साबूदाने की खिचड़ी, और हमने बिल्कुल महाराष्ट्रियन स्टाइल में बनाई है। तो आप भी अपने घर पर ज़रूर करके देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। मेरी अदर इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, प्लीज़ आप उसे देखें और घर पर बनाएं और कमेंट में बताएं मुझे कि कैसी बनी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।